अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कोनैन्स किचन। कोनैन्स किचन में आज हम बनाने लगे हैं एक बहुत मज़ेदार सी डिश। मैंने इंग्रेडिएंट्स आपको नहीं दिखाया, बहुत मुख्तसर सी इसमें इंग्रेडिएंट्स आएंगे। एक पैन रख लिया मैंने, उसमें हम थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे, तकरीबन 4 to 6 टेबल स्पून, ज़्यादा ऑयल नहीं जाएगा इसमें। पैन को ग्रीस कर लेंगे सारा अच्छे से, साइड से भी, और सारा इसको ग्रीस कर लेंगे। हल्का सा ऑयल को गर्म करेंगे, फ्लेम हम अपना लो रखेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो गया, अब मैं इस पर प्याज रख लूँगी। मैंने रिंग स्टाइल में प्याज काटे हैं, आप कोई सी स्टाइल में भी काट सकते हैं। सारे पैन में मैं इस तरीके से इनको बिछा दूँगी। आप प्याज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक, इसकी कोई कैद नहीं है। चुन्नू मुन्नू सा था ये भी मैंने रख दिया, हल्का सा ये सॉफ्ट हो जाएगा। तो साथ ही मैं इसमें टमाटोज रख दूँगी। प्याज हमारे सॉफ्ट हो गए, अब साथ ही इनमें मैं टमाटर रख दूंगी। बस इस तरह से रखिएगा कि ये ज़रा थोड़ा सा कलरफुल लगे। टमाटोज भी मैंने अपने रख दी है। इसके ऊपर मैं एक चुटकी जो है नमक डाल दूंगी, सिर्फ एक पिंच ही डालना है, अपने ज़्यादा नहीं डालना। बहुत मज़े का ये ऑमलेट बनता है। उसके साथ ही थोड़ा सा मेरे पास अदरक है, मैंने लंबा काटा हुआ, ये ऐड कर दूँगी, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं जाएगा। थोड़ी सी ये ग्रीन चिली बारीक बारीक कटूंगी, ये डाल देंगे। थोड़ा सा हरा धनिया भी इसी तरह ऐड कर देंगे इसके ऊपर, ताकि हर चीज़ जो है वो वाज़ह से नुमाया हो जी। अब ये दो अंडे ले लिए थे मैंने, इसमें एक इंच नमक, एक इंच लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ी सी बारीक चौप हरी मिर्चें और 2 टेबलस्पून हरा धनिया डाल के उसको फेंट लिया। अब इन सब के ऊपर मैं ये भी डाल दूँगी, इस तरीके से डालिएगा कि हमारी सब चीज़ें जो है वो कवर हो जाए। फ्लेम हमने बिल्कुल लो रखना है। ये देखिए ये सब कुछ हो गया, ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा बन रहा है। इसके ऊपर थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दें आप क्रश रेड चिली, ये ऑप्शनल है। अगर आप स्पाइसी नहीं खाते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ये देखिए हमारा ऑमलेट कितना प्यारा सा कुक हो रहा है। इसको मैं कवर कर दूंगी 5 मिनट्स के लिए और इसको दम पे हम कुक कर लेंगे जी। 5 मिनट हो गए हैं और अब हम इसको उठा के देखते हैं कैप इसका। माशाल्लाह 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 से आप इसकी लुक देखिए, कितनी खूबसूरत लुक आई है। और ये अच्छे से कुक हो चुका है, बिलीव मी बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत कमाल की। ये देखिए ये नीचे से भी अच्छे से, ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं इसको इसी तरीके के साथ और देखते हैं माशाल्लाह इसकी लुक देखें, कितना खूबसूरत इसकी लुक आई है, कितना अच्छा ये बने। जैसे हल्का सा उधर से भी कलर आ जाएगा तो इसको डिश आउट करें। ये देखें माशाल्लाह से ये रेडी हो चुका है और आप इसकी लुक देख लें, माशाल्लाह से कितना हसीन लग रहा है, बहुत मज़े का बना है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरे तरीके से बनाइएगा, कोनैन किचन के तरीके से बनाइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।